हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ प्रीपोजिशंस अगेन. वी हैव डिस्कस प्रीपोजिशंस इन अर्लियर वीडियोज ऑल्सो. हियर वील डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन अबव एंड ओवर. दोनों के अंतर को समझेंगे. दोनों का ही मतलब होता है ऊपर, के ऊपर या से ऊपर, है ना. लेकिन इसका बेसिक अंतर क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे. देखिए, यहाँ पर मैंने हैशटैग लगाकर डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया है. बाद में हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे. पहले देख लेते हैं अबव के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं. सी, अबव में नो कॉन्टैक्ट, मतलब जब भी हम अबव यूज़ करते हैं मतलब उसका किसी ऑब्जेक्ट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है. सेकंड कंडीशन इज़ नो मूवमेंट, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा हो ऐसे केसेस में हम अबव का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ वन लोकेशन. अब मूवमेंट नहीं है तो लोकेशन हमेशा एक ही होगा, है ना, फिक्स पोजीशन होगा. नेक्स्ट इज़ बेटर देन. बेटर देन के सेंस में भी हम अबव का यूज़ करते हैं, मतलब किसी से अच्छा शो करने के लिए भी हम अबव यूज़ करते हैं, जैसे अबव एवरेज, है ना, अबव एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट है मोर स्पेस बिटवीन. अबव की जब बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेयर से या पर्टिकुलर प्लेन से स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, हाइट जो होती है ज़्यादा के सेंस में यूज़ करते हैं. किसके कंपैरिजन में? ओवर के कंपैरिजन में. और नेक्स्ट है हायर देन अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर स्केल से जब हम ऊंचाई की बात करते हैं या ऊपर की बात करते हैं तब भी हम अबव का यूज़ करते हैं. नाउ सी द केस ऑफ ओवर. ओवर के केस में देखिए मूवमेंट होता है, है ना. जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं तब ओवर का यूज़ करते हैं. लेकिन किसी किसी प्लेस में मूवमेंट नहीं होता है तब भी हम ओवर लगाते हैं, है ना. वो सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे. कॉन्टैक्ट, ओवर के केस में कॉन्टैक्ट होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों केस में हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट क्या है? कवरिंग. व्हेन वन थिंग इज़ कवरिंग अनदर. एग्जाम्पल, पुट योर हैंड ओवर योर माउथ. अब नेक्स्ट देखिए, लेस स्पेस बिटवीन, मतलब अबव के कंपेरिजन में जब कम स्पेस होता है ना, हाइट में दो चीज़ों के बीच में कम स्पेस होता है तो उस केस में अबव ना यूज़ करके हम ओवर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है वन लोकेशन टू अनदर. जाहिर सी बात है अगर मूवमेंट होगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, है ना, स्पेस मूव होता है, उस केस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं. अनदर हैशटैग देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स की तरह हम यूज़ करते हैं. कैसे प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं? ओवरवेट, ओवर टाइम, ओवरनाइट, तो इस तरह भी ओवर का प्रयोग होता है. अगला देखिए मोर देन, ज़्यादा बताने के लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, है ना. जैसे कि ये स्पेशली नंबर और टाइम के सेंस में होता है ना, जैसे ओवर 200 पीपल, ओवर एन आर, तो इस तरह के सेंस में जिसमें मोर देन वाली फीलिंग हो, है ना, ज़्यादा बताना चाहते हो, उस केस में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे. सी द एग्जांपल्स ऑफ अबव. द गॉड इज़ अबव एवरी वन, है ना, बहुत डिस्टेंस है और सबके ऊपर की बात कर रही है, हम सबके ऊपर है या हम सबसे ऊपर है. नेक्स्ट देखिए, हिज परफॉर्मेंस इज अबव एवरेज. इस केस में हम ओवर का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, अबव एवरेज. नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीमेंट इज अबव एक्सपेक्टेशन. यहाँ देखिए बेटर देन के सेंस में यूज हुआ है ना, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा, उसके सेंस में हमने अबव का यूज़ किया है, यहाँ ओवर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट केस देखिए, द हेलीकॉप्टर होवर्ड अबव द टावर, है ना. हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस बहुत ऊपर है हमारे लेयर से, उस सेंस में हमने अबव का यूज़ किया है. और हेलीकॉप्टर होवर्ड मतलब एक ही जगह वो घूम रहा है ना, यहाँ पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ नहीं जा रहा है. अगर यही रहता द हेलीकॉप्टर फ्ल्यू तो हम ओवर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है इसलिए हम ओवर का यूज़ नहीं कर सकते. द टेम्परेचर इज़
अबव 0 डिग्री, है ना। ये टेम्परेचर स्पेशली 0 डिग्री के केस में, फ्रीजिंग के केस में, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उस केस में हम हमेशा अबव ही लगाते हैं, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, द वाटर लेवल इज़ अबव द डेंजर मार्क, है ना। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई एक रेफरेंस पॉइंट है डेंजर मार्क, उससे ऊपर की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हमने अबव यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, द क्लाउड्स रोड अबव अस। अब क्लाउड्स का हमारे से डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। टॉक ऑफ मोर स्पेस, तो हमने अबव का यूज़ ना करके क्या किया है, अबव का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90%। अगेन यू विल फाइंड अ रेफरेंस पॉइंट हियर, है ना। एक 90% एक लेवल है, उससे ऊपर की हम बात कर रहे हैं, तो सारे केसेस में हम अबव का प्रयोग करते हैं। नाउ सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर। पुट दिस ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लैंकेट का चाइल्ड से टच हो रहा है ना, कॉन्टैक्ट हो रहा है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल थिंग, कुछ स्प्रेड हो रहा है ना, एक स्प्रेड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी चीज़ पे रखा हुआ नहीं है, बल्कि पूरा फैलाव है उसमें, है ना। तो इस केस में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट फाइट ओवर स्मॉल इश्यूज़। इस केस में भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे, अबव का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत करो, है ना, एक स्प्रेड की बात हो रही है, ओवर। यहाँ पे भी हम अबव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हाइट नहीं है लेकिन एक लेयर की बात हो रही है। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर ओवर 100 पीपल। करीब 100 से ज़्यादा लोग थे, है ना। तो मोर देन के सेंस में भी हमने ओवर का यूज़ किया। रिमेंबर फ्रेंड्स, बेटर देन के सेंस में हमने अबव का यूज़ किया था और मोर देन के सेंस में ओवर का यूज़ किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग, तो क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट होगा, होगा ना, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो उस केस में हमने ओवर का यूज़ किया, यहाँ हम अबव यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ओवरवेट, है ना, मतलब जितना वेट होना चाहिए एक्चुअली वह उससे ज़्यादा का है। तो यहाँ पे ओवर कैसे यूज़ हुआ है, एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की तरह हमने ओवर को यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आई वॉक्ड ओवर द ब्रिज। यहाँ क्या है, वॉकिंग ओवर द ब्रिज, एक तरफ, एक ब्रिज के एक तरफ से आप दूसरी तरफ जा रहे हैं या गए, तो उस सेंस में मूवमेंट है, इसलिए ओवर का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि अबव में नो मूवमेंट होता है, लेकिन ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो दिस इज़ द केस ऑफ अ मूवमेंट, तो यहाँ हमने ओवर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वर्किंग ओवर टाइम, है ना, समय से ज़्यादा हुआ काम कर रहा है। मोर देन के सेंस में भी यूज़ हुआ है और प्रीफिक्स के सेंस में भी यूज़ हुआ है। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फैन इज़ हैंगिंग ओवर मी। यहाँ पर कम हाइट की बात हो रही है ना, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस कम है, वन थिंग इज़ ऑलमोस्ट क्लोजर टू द अदर, इसलिए हमने ओवर का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमने आज ओवर और अबव के डिफरेंसेस को देखा। यू कैन प्रैक्टिस मोर एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू ओवर एंड अबव, सो दैट यू कैन यूज देम कॉन्फिडेंटली इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।